हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप, यू आर वॉचिंग गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है 40-40 क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पे आपको कराकर चल रहा हूँ। 5 पार्ट में ये इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। 200 क्वेश्चंस पूरे कराने हैं और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें लगातार वॉच कीजिए। इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए, वीडियो को देखते देखते ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद हो जाने हैं। तो 40 क्वेश्चंस मैं आज यहां पर लेकर आया हूं। साथ ही आप इसकी फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक दिया गया है। देखिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप किसी प्रकार के डाउट में ना रहें, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ मिल जानी है और इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उन सभी वीडियोज़ की भी आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने से आपका कुछ खर्च नहीं होगा, बस हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हम आगे भी मोटिवेट रहेंगे आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन में और उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष पद से पूरी तरह से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, क्योंकि पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था, तो कोई भी प्रतिनिधि इसमें नहीं गया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक की स्थापना कब की गई थी। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर आता है कि सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। नागार्जुन। शून्य है, शून्य की वैल्यू आप समझते हैं आज के टाइम में, तो इसका जो आविष्कार किया था या पहली बार जो शून्य को लेकर आए थे वो थे नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। सिकंदर एवं पौरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पौरस के बीच ये युद्ध हुआ था। हाइडेस्पीज का युद्ध कहें या वितस्ता का युद्ध कहें, दोनों एक ही बात है। कभी कभी क्वेश्चन में वितस्ता का युद्ध पूछा जाएगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहां कराया। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था रायगढ़ में। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 1605 ईस्वी में। अकबर के सेनापति थे मानसिंह। अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच ये प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1605 ईस्वी में। याद रखेंगे, दिल्ली का किला किसने बनवाया। दिल्ली का किला बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली का किला बनवाया, जिसे शाहजहांनाबाद के नाम से प्रसिद्ध। दिल्ली का जो पुरानी दिल्ली वाला इलाका है चांदनी चौक और लाल किले वाला, उसे शाहजहांनाबाद के नाम से भी जाना जाता है प्राचीन समय में। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो है बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया। और 91 क्वेश्चन यहां पर गलत आ गया है, इस पे ध्यान ना दें, ये 1605 में है। ठीक है, 576 में, जैसे कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया भी था, ये वाला ये क्वेश्चन है अकबर महाराणा प्रताप के बीच जो प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ है वो हुआ 1600
पाँच में, ना कि 576 में, ठीक है। तो 1605 ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, वो है जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है, तो चार आर्य सत्य हैं, चार आर्य सत्य हैं जिसमें बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निहित है। क्लियर। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में लड़ी गई, किनके बीच हुई थी, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। नेक्स्ट है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, तो गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है गुरु अंगद को। नेक्स्ट है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे दार्शनिक मैगस्थनीज और इनकी पुस्तक थी इंडिका, और भारत की प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, 13वें शिलालेख में। याद रखेंगे काफी बार पूछा गया है कि कलिंग विजय का उल्लेख किसमें मिलता है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सामान्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सामान्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, और कब दिया था ये, 1943 ईस्वी में। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, वो था भारत सरकार अधिनियम 1919, द्वैध शासन व्यवस्था भारत के प्रांतों में लागू कर दी गई थी। बीजापुर का गोल का गुंबज किस का मकबरा है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय पर अध्यक्ष कौन रहे थे, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी, तो जहांगीर के समय में ये शुरू की गई। तो पहली बार तंबाकू भारत के अंदर लाया गया पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, और जहांगीर के शासनकाल में ही इसकी खेती भारत के अंदर प्रारंभ हुई थी, उससे पहले तंबाकू की खेती भारत में नहीं थी। किसे भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, कौन ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यात्री इब्ने बतूता कहां से आया था, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था यात्री इब्ने बतूता, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्ने बतूता। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गोदान और गबन दोनों ही। नेक्स्ट है कि वर्ष 1565 में हुए तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था, तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था 1565 ईस्वी में, तालिकोटा के युद्ध के दौरान। क्लियर। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हारा और हारते ही लोदी वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई, शेरशाह सूरी के द्वारा ही ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया गया।
किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? चोरी चोरा कांड के द्वारा असहयोग आंदोलन उस वक्त खत्म कर दिया गया था। गोरखपुर के पास चोरी चोरा नामक एक स्थान पर एक चौकी में आग लगा दी गई थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो गांधी जी ने तत्काल ही आदेश दिया इस आंदोलन को स्थगित करने का। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी है? तो वह नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, नृत्य करते हुए नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो वह फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। और भारत में समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? वो था वास्को डिगामा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर डिस्कस किए हमने 40 पॉइंट क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री के, और प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों से ही संबंधित हैं। यहाँ पर मैं 200 प्रश्न उत्तर की सीरीज को कंप्लीट करा रहा हूँ। ये थर्ड पार्ट था, अभी दो पार्ट और आने बाकी हैं, जहाँ पर 200 वो क्वेश्चन हम टच करके चल रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे तो आपने पहले प्रीवियस पेपर दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ये चल रही है। तो ये कंटिन्यू सीरीज हम कंप्लीट करेंगे 5 पार्ट में, उसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस तो उसको भी हम कंप्लीट कराकर चलेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ, आप हमारी सीरीज के साथ लगातार बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि तभी आपको ये वीडियोस मिल पाएंगे। ठीक है गाइस, तो पीडीएफ आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।